अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत लोकसभा सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बड़ी खबर आपको बता दें, साथ ही बात अगर सोनीपत लोकसभा सीट की जाए, हॉट सीट कहना गलत नहीं होगा। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उससे पहले ये बड़ी खबर, हरियाणा में आज दिग्गज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे क्योंकि आज आखिरी तारीख है। सोनीपत की अगर बात की जाए तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक उस वक्त की तस्वीर है जब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, हालांकि उन्होंने अब अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जो कि नामांकन से पहले की है, जब जनसभा की गई थी और इस जनसभा में बीजेपी पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। सोनीपत लोकसभा सीट की बात की जाए, हॉट सीट इसे कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस प्रकार से बड़े चेहरे सोनीपत लोकसभा सीट के चुनावी मैदान में यहां पर उतरे हैं, कहीं ना कहीं इस सीट को हॉट सीट बना देता है। नामांकन से पहले पूर्व सीएम हुड्डा ने जनसभा भी की थी जिसमें बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा था। सोनीपत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और ये दो तस्वीरें आपके सामने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब नामांकन अपना भर रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब नामांकन से पहले यहां पर जनसभा की गई। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे, वहीं दूसरी तस्वीर जब नामांकन से पहले जनसभा यहाँ पर की गई, तमाम बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। और आप अंदाजा लगाइए और भीड़ देखिए, यहाँ पर भीड़ भी कितनी ज्यादा हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में लगातार। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब अपना नामांकन पत्र भरा, और ये दूसरी तस्वीर उस जनसभा की है जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता को संबोधित किया था। नामांकन से पहले उन्होंने संबोधित किया था, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था और शक्ति प्रदर्शन ये किया गया था। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। और बात अगर अभी की जाए, मौजूदा स्थिति की जाए, तो यहाँ से दिग्विजय चौटाला भी अपना नामांकन पत्र भर चुके हैं, यानी कि कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तरफ बात कांग्रेस के कद्दावर नेता की जाए और राजनीति में अच्छा खासा अनुभव रखने वाले नेता की जाए, और सीएम भी रह चुके हैं, और दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला, इनेलो से टूटने के बाद बनी नई पार्टी जेजेपी और उनके प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला यहाँ मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बात अगर बीजेपी की जाए तो सोनीपत से रमेश कौशिक को मैदान में उतारा गया है, यानी कि कुल मिलाकर यही वो तीन नाम हैं जो कि इस लोकसभा सीट को हॉट सीट बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा 2019 के इस चुनाव में सोनीपत की जो ये लोकसभा सीट है, प्रतिष्ठा का सवाल भी राजनीतिक दलों के लिए अब बन चुकी है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से मैदान में है। एक कद्दावर नेता है कांग्रेस के, मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार, और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अनुभव भी उन्हें राजनीतिक अच्छा खासा है। उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी मौजूदा सांसद हैं रोहतक से, और बात अगर रोहतक की जाए तो हुड्डागढ़ माना जाता है रोहतक लोकसभा सीट को। और वहीं सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ताल ठोकी है चुनावी मैदान में। उनके सामने होंगे बीजेपी की ओर से रमेश कौशिक, बीजेपी प्रत्याशी रमेश कौशिक उनके सामने होंगे। वहीं बात अगर जेजेपी से की जाए तो जेजेपी से दिग्विजय चौटाला मैदान में है। हालांकि बात अगर बीएसपी और एलएसपी की जाए तो सोनीपत से राजबाला सैनी को टिकट दिया गया है, राजबाला सैनी प्रत्याशी हैं वहाँ से। और उससे ठीक पहले शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है और नामांकन पत्र भरने कि इस आखिरी दिन यहाँ पर लगातार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता लघु सचिवालय में जाकर अपने नामांकन पत्र भर रहे हैं, और ये तस्वीरें हम आपको सोनीपत से दिखा रहे हैं। सोनीपत की तस्वीरें हैं जहाँ पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर नामांकन से पहले उन्होंने जनसभा की और बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों की ये जो जंग है और भी ज्यादा रोचक होती जा रही है, कहीं पर चेहरे इस जंग को रोचक बना रहे हैं तो कहीं पर समीकरण।